प्रदेश में मॉनसून सक्रिय, मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया अलर्ट। आज भी प्रदेश के कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट। जयपुर शहर में कई हिस्सों में शुरू हुई बूंदाबांदी। जयपुर शहर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारा, भीलवाड़ा, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर जिलों में ऑरेंज येलो अलर्ट है। इन सभी जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्की सी मध्यम दर्ज की जा सकती है बारिश। प्रदेश के पूर्वी भाग में कल तक मानसून के सक्रिय रहने के संकेत। अनूप हमारे सहयोगी लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अनूप, किन किन जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, किस प्रकार की मौसम इस वक्त वहां पर देख पा रहे हैं? जी हाँ, देखिए राजस्थान के अंदर एक बार फिर से मानसून सक्रिय हुआ है, जो कि पिछले 4-5 दिन से पूरे प्रदेश के कई जिलों के अंदर, पूर्वी भाग के अंदर यहाँ पर बारिश हो रही है। लेकिन पश्चिमी जो इलाका है राजस्थान का, जैसलमेर, बाड़मेर वाला जो इलाका है, वहाँ पर बारिश यहाँ पर कम देखने को मिल रही है। और इसी के साथ ही पूर्वी राजस्थान के अंदर अजमेर है, जयपुर है, जोधपुर है, भीलवाड़ा है, टोंक है, सवाईमाधोपुर है, यहाँ पर बारिश अधिक देखने को मिल रही है। और इसी के साथ ही अगर तापमान की बात की जाए तो तापमान गंगानगर जिले का 40 डिग्री तक अभी भी बना हुआ है। और इसी के साथ ही जो फलौदी है वहाँ पर भी 39 डिग्री के करीब तापमान बना हुआ है। पूर्वी राजस्थान के अंदर मानसून अपना असर दिखा रहा है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के अंदर मानसून के पूरी तरीके से वहाँ पर सूखा नज़र आ रहा है। और बीकानेर संभाग के अंदर जो मानसून की ट्रफ लाइन है वो बीकानेर संभाग के अंदर बनी हुई है, इसके बावजूद बीकानेर संभाग के अंदर बारिश नहीं देखी जा रही है। बीकानेर का अगर तापमान की बात की जाए तो बीकानेर का तापमान भी 40 डिग्री बना हुआ है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से आसमान के अंदर अभी भी काले बादल छाए हुए हैं, काली घटा यहाँ पर आई हुई है। और जयपुर शहर के अंदर रुक रुक करके यहाँ पर बारिश का जो सिलसिला है वो लगातार यहाँ पर जारी है। और आने वाले दिनों की अगर बात की जाए तो कल तक मानसून सक्रिय रहने की मौसम विभाग के द्वारा यहाँ पर संभावना व्यक्त की गई है। कल के बाद के अंदर मानसून थोड़ा सा कमज़ोर पड़ेगा और उसके बाद जब बंगाल की खाड़ी के अंदर एक बार फिर से लो प्रेशर एरिया बनेगा, उसके बाद राजस्थान के अंदर मानसून सक्रिय होने की यहाँ पर संकेत मिलने लगेंगे। जी, किसानों के लिए कितनी लाभकारी है ये बारिश, क्योंकि बहुत सारी फसलें हैं जो सूख रही थी, उनको नया जीवनदान भी मिलेगा इस बारिश से? जी हाँ बिल्कुल, फसलों के लिए बारिश बहुत ही लाभदायक है। जैसा कि कल गंगानगर के अंदर बारिश हुई, गंगानगर के अंदर कपास की खेती बहुत बहुतायत के अंदर होती है, कपास को इस समय में पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और इसके लिए कल जो गंगानगर के अंदर बारिश हुई वो जो कपास की खेती करते हैं जो किसान हैं उनके लिए बारिश एकदम वरदान साबित हुई है। और इसी के साथ ही जो अन्य फसलें हैं उनके लिए भी ये बारिश वरदान साबित हो रही है। जी अनूप, ये जो बरसात शुरू हुई है, मानसून लौटा है, जहां आप खड़े हैं यानी जयपुर में भी बूंदाबांदी हो रही है, अन्य जिलों में भी बारिश तेज़ हो रही, कई जगह तो बांध के गेट भी खोले जा रहे हैं, बाकायदा अलर्ट जारी किया गया है, क्या माना जाए कब तक बारिश जो है, ये जो मानसून लौटा है वो कब तक पूरा जारी रहेगा, कितने आने वाले समय तक, किसको लेकर किस प्रकार से जो है वो जानकारियाँ मौसम विभाग की तरफ से मिल पाई हैं? जी हाँ, देखिए मौसम विभाग का कहना है कि कल तक प्रदेश के अंदर मानसून है वो पूरी तरीके से सक्रिय रहेगा, उसके बाद के अंदर मानसून की एक दफे यहाँ पर कमज़ोर पड़ेगा। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर जैसे ही बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के अंदर लो प्रेशर एरिया बनेगा, उसी के साथ ही जो ट्रफ लाइन है वो जब राजस्थान से गुजरेगी, तब राजस्थान के अंदर एक बार फिर से मानसून सक्रिय होगा। जहाँ तक बांधों की बात है तो कई बांध हैं वो अभी भी प्रदेश के अंदर खाली है, कई बांध हैं वो ओवरफ्लो हो चुके हैं। बीसलपुर बांध की बात की जाए तो वो बीसलपुर बांध अभी तक जो उसकी भराव क्षमता है वहाँ तक नहीं पहुँचा है, जिसके चलते जो आने वाला समय है वो थोड़ा सा कठिनाई भरा साबित हो सकता है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों के अंदर अच्छी बारिश होने की राजस्थान के अंदर संभावना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा करने के लिए। तो बरसात जो है वो जारी है और इस बरसात की वजह से किसानों को राहत मिली है, बहुत सारे डैम भी ओवरफ्लो हुए हैं जिनको खोला जा रहा है और कई